अगर उठे धुआं घर से तो दर्द छलक पड़ता है, मगर जले घर पंछियों का तो जलने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। बचा लेते हैं घर अपना कभी लपटों से हम, लेकिन लगी हो आग जंगल में तो लगने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। मां ने हमें जीवन दिया, शरीर दिया और आंखें दी कि इस धरा की खूबसूरती को देख सकें। जंगलों ने हमारे जीवन को संभाला और निरंतरता दी कि सांसों को बनाए रखें। पर क्यों आज ये दोनों ही हमारी दुष्ट आंखों की किरकिरी बन बैठे हैं। एक को जला दिया तो मां को बुढ़ापे में अपने ही घर से दूर कर बैठे। जो हमें सबसे अधिक प्यार देता है, हमारा पालन पोषण करता है, हमें इस दुनिया में जीने योग्य बनाता है, हमें जीवन देता है, हम क्यों उसी के साथ दुश्मनों सा व्यवहार करने लगते हैं। यह धुंधला धुंधला सा समा और ये चारों ओर धधकती आग क्या आपके कलेजे को जला नहीं रही है। क्या मिलेगा इस सब से, जबकि इसी प्रचंड दावानल से प्रतिवर्ष लाखों करोड़ों की संख्या में पेड़ पौधे, मासूम जीव जंतु, पक्षी, घास तथा अनगिनत सूक्ष्म जीवों को काल का ग्रास बनना पड़ता है। और हम कहते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यह अनियंत्रित आग जैव विविधता पर स्थायी प्रभाव छोड़ सकती है। इस आग से जंगल के बचे हुए शाकाहारी जंतुओं का सारा भोजन नष्ट हो जाता है और वे मजबूरन आपके खेतों की ओर ही आएंगे। मांसाहारी जंतुओं को जंगल में भोजन नहीं मिलेगा तो वे भी आपके घरों की ओर ही आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य तो यह है कि जंगलों से निकलने वाली ऑक्सीजन के सारे स्रोत नष्ट हो जाएंगे, चारों ओर भीषण गर्मी बढ़ जाएगी, चारों ओर धुआं ही धुआं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर इतना बढ़ जाएगा कि आपका सांस लेना भी दूभर हो जाएगा। तो फिर कैसा जीवन। और आपने बच्चों के लिए हम ऐसी भीषण धुंध भरी हुई विरासत छोड़कर जा रहे हैं। प्रकृति द्वारा करोड़ों वर्षों से इतनी शिद्दत से पाले पोसे हुए इतने खूबसूरत जंगलों ने हमारा इतना बड़ा कौन सा नुकसान कर दिया है कि हम आज इनके अस्तित्व को ही खत्म करने पर आमादा हो रहे हैं। याद रखिएगा, वन नहीं तो हम भी नहीं, वन आपके हैं। इनको आग के प्रकोप से बचाइए तथा इस कार्य में वन विभाग को सहयोग दीजिए। जो लोग वनों में आग लगा रहे हैं उनकी सूचना वन विभाग को दीजिए, क्योंकि अंततः यह आपकी सांसों से जुड़ा हुआ मामला है। क्या आज हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपनी सांसों का भी सौदा कर दे रहे हैं? इन बातों पर जरूर गौर फरमाइएगा। जय हिंद।